हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आईसीआईसी प्रूडेंटल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि यह जो म्यूचुअल फंड है, इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, यह कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें आईसीआईसी प्रूडेंटल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आईसीआईसी प्रूडेंटल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस डाइट प्लान ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो 23.76% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 3 साल में 14.84% का रिटर्न है और अगर 5 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 5 साल में 13.39% का रिटर्न है और अगर एनुअल रिटर्न इनका देखें तो एनुअल रिटर्न है 16.39% का। अभी जो भी मैंने आपके साथ रिटर्न डिस्कस किया 1 साल, 3 साल, 5 साल का, ये इनका जो है वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या रिटर्न मिलेगा, मैं ये भी इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 134.50 रुपया। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 2 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 7671 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो कुछ रिवार्ड्स आपको देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करते हैं अगर आप 5,000 रुपये पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 68,423 रुपया, यानी कि एसआईपी के थ्रू आपको 1 साल में 14% के आसपास रिटर्न मिलता। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,39,803 रुपया, करीब 33% के आसपास रिटर्न आपको 3 साल में देखने को मिलता। और 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका 3 लाख रुपया, 4,91,524 रुपया होता और आपका जो अप्रोक्स एसआईपी के थ्रू रिटर्न मिलता वो 63% के आसपास रिटर्न है। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,23,760 रुपया होता, 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,54,454 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,87,445 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 38 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड इंश्योरेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, बजाज फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंशियल, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंशियल एंड एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड फाइनेंशियल के क्षेत्र में है। अगर हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे 98.1, कैश पे है 1.2 और डेबिट पे है 0.7%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 85.1, इंश्योरेंस पे 14% और अदर्स पे है 0.9%। अब हम लोग इसके एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 20.06 और पीबी रेशियो 3.16। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम जो है आपको 5,000 रुपया का करना होगा और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 100 रुपया से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें आईसीआईसी प्रूडेंटल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो बात करते हैं आईसीआईसी प्रूडेंटल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फंड का। फंड रिटर्न 1 साल में 23.8 का है, 3 साल में 14.8 का, 5 साल में 13.4 का और एनुअल 16.4 का है।
वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है यानी कि इक्विटी सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड का 1 साल में 25.8, 3 साल में 17.5, 5 साल में 14 का है। तो यहाँ से देखेंगे 1 साल में ये अपना कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पा रहा है, 3 साल में भी ये अपना कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट नहीं कर रहा, और 5 साल में भी यही सेम रिपीट हो रहा है। यानी कि अगर आप एक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि ये अपना कैटेगरी एवरेज रिटर्न को भी बीट नहीं कर पा रहा है। तो अगर आपने ऑलरेडी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है तो आप इससे अपना पैसा निकाल सकते हैं और दूसरे म्यूचुअल फंड्स के अंदर लगा सकते हैं। तो दूसरे किस बैंकिंग या फिर फाइनेंशियल फंड के अंदर लगाएंगे मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, और अगर कोई फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो इसको अभी बाय मत कीजिए। तो देख सकते हैं इन जो भी है सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड, दो यहाँ पे टॉप का म्यूचुअल फंड है, एक है कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एंड दूसरा इन्वेक्सो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो आप इन दो थीमेटिक कैटेगरी के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 1.04% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टाम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टाम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो आईसीआईसी प्रूडेंटल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 3 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,51,691 करोड़ का। बात करते हैं आईसीआईसी प्रूडेंटल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया आईसीआईसी प्रूडेंटल म्यूचुअल फंड की तरफ से। रोशन चुटकी अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,51,691 करोड़ का, और लेटेस्ट उन्हें भी 134.50 रुपया। बात करते हैं आईसीआईसी प्रूडेंटल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये एक काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। इसकी फंड बेंचमार्क की बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आईसीआईसी प्रूडेंटल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।